हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हसन पोएट्री वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, पहले तो जो है मैं आपको ये बता दूं कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और काफ़ी मैं लेट हो गया हूं आप सबको शुक्रिया बोलने के लिए। तो काफ़ी मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहूँगा और आप सबको मैं यही बोलना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर जो मेरे कंप्लीट हुए, ये सब आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों ने मुझे जो है सपोर्ट किया, तो मैंने जो है और वीडियो अपलोड किए। आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते थे, तो जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो जो है अपलोड करता था और धीरे धीरे करके मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए माशाल्लाह। तो आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों का साथ रहा, ऐसे ही हमेशा आप लोगों का साथ रहे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियो जो है आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि चिक्स आ चुका है मेरे फॉर्म पे, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं चिक्स की तरफ और आप सबको दिखाते हैं कि कौन सा चिक्स आया है और कितना आया है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, तो इस बार फ्रेंड्स जो चिक्स आया है मेरा, वो आया है किसान हैचरी का। ये आप देख सकते हैं, ये इनके बॉक्सेस हैं, तो ये इस बार जो है इनका किसान हैचरी का चिक्स आया है। और मैं आपको बता दूं, इंटीग्रेशन वाला बैच है। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, तो उनको मैं बता रहा हूं, बाकी जो कंटिन्यू जो मेरे चैनल पे जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको सबको तो पता ही है। बाकी मैं बता दूँ, इंटीग्रेशन वाला बैच है और इस बार 2000 चिक्स आया है और 5% मोर्टलिटी इंक्लूड करके, मतलब 2100 बर्ड आया है टोटल। और किसान हैचरी का बर्ड है, तो फ्रेंड मैं आपको ये बताऊं, ये जो अब तक के जो जितनी ब्रीड हैं जो मैंने पाली हैं जितनी भी, तो फ्रेंड्स उन सारी ब्रीडों में पहला तो जो था जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वेंकीज़ तो मेरी जो है हमेशा से जो है बिल्कुल फेवरेट ब्रीड रही ही है। और एक हो गया तुली, जो अभी बीच में जो घर की छत पे मुर्गी पालन वाली जो सीरीज़ मेरी चल रही थी, तो आप सबको पता होगा जिन्होंने देखी मेरी वीडियोस पुरानी, तो मैंने तुली का बर्ड उसमें जो है डाला था, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त ब्रीड थी। और तीसरे नंबर पे ये आती है किसान, जो इस बार आया है ये बर्ड मेरा, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त इसकी ब्रीड है। मैं आपको दिखाऊँ चिक्स इसका, दिखा दूँ, बहुत ज़्यादा हेल्दी इसका जो है चिक्स है। और सारी जो ब्रीड हैं और सारी जो कंपनियाँ हैं उनके अगर जो है अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊं, तो जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रीड है। आप देख सकते हैं ये जो इसका चिक्स है, चिक्स काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी जो और जो चिक्स जो और कंपनियों के मैंने अब तक के जो देखे हैं, सबसे ज़्यादा हेल्दी जो है, बहुत ज़्यादा हेल्दी चिक्स है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हेल्दी चिक्स का मामला ये रहता है कि जब भी जो मतलब जो छोटे जो जो जिन कंपनियों से जो छोटे चिक्स आते हैं, तो वो होता ये है दरअसल कि छोटे जो एग्स होते हैं ना, तो उन छोटे एग्स से जो है उनकी हैचिंग की गई होती है, तो चिक्स छोटा निकलता है। और जब चिक्स छोटा निकलता है, तो उसकी ग्रोथ भी उतनी जो है जिस तरीके से होना चाहिए उतनी जो है नहीं हो पाती है, ना उतना तैयार हो पाता है बढ़िया चिक्स। और जो बड़े एग्स से जो जिनकी हैचिंग की जाती है, जो चिक्स जो निकलता है, तो उसकी शुरुआत से ही परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होती है और आगे चल के क्या कहने, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चलता है। जैसे कि तुली अभी बीच में मैंने देखा जो डाला था, वो भी बहुत ज़बरदस्त चला था माशाल्लाह। और क्या बोलते हैं, वेंकीज़ जो है अभी मेरे एक काफ़ी ख़ास हैं, तो उन्होंने जो है वेंकीज़ अभी बीच में भी डाला था, उनका जो है मैंने देखा था उनके यहाँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी वेंकीज़ वालों की भी। तो ये रहता है इनका, तो जब बर्ड अगर शुरुआत से ही जो है मज़बूत बर्ड आया है, तो माशाल्लाह आगे चल के जो है अच्छी ग्रोथ करता है और बाकी सब आपके मैनेजमेंट पे रहता है। तो फ्रेंड, मैनेजमेंट की बात कर लूँ, तो मैनेजमेंट में मैंने इस बार ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है। ये ब्रूडिंग वाली पन्नी है, यहाँ से लगा दी है, ये इतनी ये पूरी घुमा के यहाँ तक के जितने में मेरी ब्रूडिंग बनी हुई है, तो ये मैंने इतनी लगा दी है। और क्या बोलते हैं, कोई फ़िलहाल ज़रूरत तो थी नहीं इसकी लगाने की, लेकिन फिर भी बरसात का मौसम चल रहा है, तो रात में कभी कभी जो है टेम्परेचर, जैसे कल ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था एकदम से टेम्परेचर, तो उसके लिए जो है इसलिए जो है मैंने इमरजेंसी के लिए सब लगा रखा है। और
बल्ब में मैं बात कर लूँ तो ये बल्ब 100 वाट के मैंने 6 बल्ब जो है लगाए हैं, वो भी अभी मैं जलाने वाला नहीं हूँ। अगर रात में इन द केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर गिरता है, तो ये कवर करेंगे, बाकी जो है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और ये लाइटिंग बल्ब में मैं दिखा दूँ, ये जो है मैंने 3 बल्ब जो है ये यहाँ तक के लगा रखे हैं अभी फ़िलहाल ब्रूडिंग में अपनी। बाकी पूरे फार्म में तो करीब करीब 7-8 बल्ब हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये ब्रूडिंग में मैंने इधर 3 बल्ब लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छा जो है चल रहा है इनका। और ड्रिंकर की बात कर लूँ तो ड्रिंकर सिर्फ 5 ड्रिंकर मैंने जो है अभी, सॉरी 25 ड्रिंकर मैंने अभी लगाए हैं। वैसे इनकी रिक्वायरमेंट तो करीब करीब 40 से 45 ड्रिंकर की है, लेकिन जो है 25 ड्रिंकर अभी लगा दिए हैं। 1-2 दिन में जो है इनकी रिक्वायरमेंट जब 40 से 45 ड्रिंकर की होगी तो मैं आगे इंक्रीज़ कर दूँगा। और पानी की बात कर लें तो पानी में मैंने फ्रेंड्स गुड़ लगाया है और 70 ग्राम पर 100 बल्ड के हिसाब से। कई सारे फार्मर्स हैं अभी, मैंने कमेंट में भी कई बार देखा है तो पूछते हैं कि जो है अगर 100 ग्राम जो है गुड़ पर 100 बल्ड के हिसाब से देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं भाई यही बोलना चाहूँगा कि आप 100 ग्राम दे सकते हैं या 70 ग्राम, मतलब वो मैनेजमेंट के हिसाब से रहता है, मतलब जो फार्मर जिस तरीके से जो है जिसको सही लगता है वो करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि गुड़ जो है एक तरीके से जो है कोई एंटीबायोटिक वगैरह कुछ नहीं है, मतलब आप दे सकते हैं, वो डाइजेशन के लिए जो सही रहता है, यॉक वाली प्रॉब्लम नहीं आती है उससे, काफ़ी कई सारे बेनिफिट्स हैं तो आप दे सकते हैं। और कई सारे फार्मर हल्दी भी देते हैं गुड़ में मिला के, तो वो भी जो है एक सही फार्मूला है, आप भी दे सकते हैं। वैसे मैं तो जो है शुरुआत से ही सिर्फ गुड़ ही यूज़ कर रहा हूँ, तो करता हूँ गुड़ ही यूज़। और फ्रेंड मोर्टलिटी की बात कर लूँ तो मोर्टलिटी फ्रेंड्स अभी तो जो है सिर्फ 1 हुई थी, वो भी धोखे से। ये आप देख सकते हैं, ये इस पर पैर पड़ गया था किसी का, तो जो है इससे ये जो है चिक्स मेरा मर गया था, लेकिन फिर भी 1-2 बल्ड मुझे देखने में ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि जो इनके बॉक्स होते हैं ना, तो बॉक्स में जो दब वब गए होंगे तो उनका थोड़ा सा वो सुस्त थोड़े से मुझे नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है अगर मोर्टलिटी हुई तो हुई, वरना मुश्किल है। तो अभी तो सिर्फ 1 ही मोर्टलिटी है। और फीड की बात कर लूँ तो फीड मैंने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऐसे ही पेपर पे डाल रखा हुआ है, और जैसा कि मैं पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने दिखाया है कई वीडियो में कि कैसे मैं इन बॉक्स का जो है यूज़ करता हूँ फीडर के तौर पर, 7-8 बॉक्स मैं इन्हें काट के इसमें जो है फीड अभी कुछ देर में लगा दूँगा। तो बस फ्रेंड्स इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि इस बैच की सारी वीडियो सारे डेज की जो आज जैसे डे 1 हो गया है, तो डे 1 से लेके डे लास्ट तक के इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारी वीडियो आपके सामने पेश करूँ, सारा मैनेजमेंट आपके सामने पेश करूँ। तो बस फ्रेंड इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ हसन, आप देख रहे थे हसन पोएट्री वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।